आपका स्वागत करते हैं। आज फिर हमने चैनल पर आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं 3D टाइल डिज़ाइन। तो ये डिज़ाइन कैसे बनेगा, तो आइए इस डिज़ाइन को कितनी आसानी से बनाते हैं। तो जैसे कि अभी हम आपको दिखा रहे हैं, ये हमने ब्लैक और वाइट पीसेस कटिंग करने हैं। और जैसे कि अभी हमने ब्लैक पीस कटिंग किया है, इसको हमने 15 सेंटीमीटर × 15 सेंटीमीटर कटिंग किया है, जैसे कि अभी हम आपको दिखा रहे हैं। तो आपने इसी तरीके से जितने भी हमने वाइट और ब्लैक पीस इसमें यूज़ किए हैं, ये सभी 15 सेंटीमीटर के हैं, जो ये जितने भी बड़े पीसेज हैं। तो आपने ये सभी 15 सेंटीमीटर × 15 सेंटीमीटर के कटिंग करने हैं, जैसे कि हमने आपको करके दिखाया है। और उसके बाद हम आपको बताएंगे ये जो इसका कॉर्नर हमने कटिंग किया है, ये कैसे कटिंग किया है। इसको हमने यहाँ पर, ये आप देख रहे हो, ये हमने छोटा टाइल्स का पीस जो है इससे मार्किंग की है। ये 4 सेंटीमीटर × 4 सेंटीमीटर का है, इसको हमने मार्किंग करके कटिंग करनी है सभी पीसेस की, जैसे कि हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। इसी तरीके से हमने सभी पीसेस को मार्किंग करना है, और जितने भी बड़े पीसेस हैं सबकी मार्किंग करके इनकी कटिंग करनी है, जैसे कि अभी मैं आपको करके दिखा रहा है। तो अभी हम आपको इनकी कटिंग करके दिखाएंगे ये कटिंग कैसे करनी है। तो यहाँ पर हमने मार्किंग की है और अभी हम कटिंग कर रहे हैं। ये कटिंग करने के बाद इसमें हम जो छोटे पीसेस है वो किस तरह यूज़ करेंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर अभी हमने इनकी कटिंग कर ली है, दोनों की सेम कटिंग है। तो अभी हमने ये कटिंग की है, इसके बाद अभी हमने जो ब्लू और ब्लैक और वाइट पीसेस जो छोटे कटिंग किए हुए हैं वो कितने सेंटीमीटर के हैं, ये हम आपको बताएंगे। तो अभी जैसे कि अभी आप देख रहे हो, अभी हमने ये जो लाइट ब्लू कलर है इसको हमने कैसे कटिंग करना है और कितना साइज़ है इसका। तो अभी जैसे कि आप देख रहे हो, ये छोटे पीसेस हमने कटिंग किए हैं ब्लू कलर के, डार्क ब्लू। इसको अभी जो है हमने 4 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई कटिंग करनी है, ये भी हमने 4 सेंटीमीटर कटिंग किया है यहाँ से। और इसी तरीके से हमने जो वाइट और ब्लैक है वो भी 4 सेंटीमीटर कटिंग करने हैं, यानी सभी पीसेस बराबर कटिंग करना है जो उनकी चौड़ाई है। तो अभी हमने जो है सेम कटिंग वाइट ब्लू और ब्लैक तीनों सेम साइज़ के बनाने हैं, और उसके बाद अपने फर्म के अकॉर्डिंग इनकी कटिंग करनी है। तो ये अभी हमने पीसेस कटिंग किए हैं, अभी हम जो है इनके जो कॉर्नर है ये कैसे कटिंग करेंगे ये भी हम आपको दिखाएंगे। ये हमारे पास जो टाइल्स है, हमारा जो फर्मा है, ये 30 सेंटीमीटर × 30 सेंटीमीटर का है दोनों साइड से। और इसको अभी हमने अपने मशीन के यहाँ पर रख कर उसके अकॉर्डिंग जो जो ब्लू कलर की टाइल्स है इसको कटिंग करना है। ये यहाँ पर हमने कटिंग किया है, आप देख सकते हो, ये जो हमने पहले भी कटिंग किए हुए हैं ये सेम इसी तरीके से बनेगा जैसे कि हमने आपको बना कर दिखाया। और यहाँ पर अभी हम 15 सेंटीमीटर पर मार्किंग करके इसको भी हम इसी तरीके से कटिंग करेंगे। ये यहाँ पर हमने कटिंग किया है, तो ये राइट साइड से हमने कटिंग करना है ब्लू पीसेस से भी, जितने भी हमने इस डिज़ाइन में यूज़ किए हैं, जो इस जो हमने स्ट्रिप बनाकर यूज़ किया है। तो उसके बाद हमने जो ब्लैक और वाइट पीसेस जितने भी हैं छोटे पीसेस कटिंग किए हुए हैं, इनको हमने जो हमारा फर्मा है वो लेफ़्ट साइड पर रखकर और उसकी उसके अकॉर्डिंग हमने इसको कटिंग कर लेना है। तो इसी तरीके से ये हमने आसानी से बना लेना है। तो जैसे कि अभी आप देख रहे हो, ये हमने दोनों वाइट पीसेज के सामने लगाए हुए हैं, और अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। जो ये छोटे पीसेज हैं इनको 11 सेंटीमीटर पर मार्किंग करके, और यहाँ से 11 सेंटीमीटर पर मार्किंग करके इनकी भी हमने फर्म के अकॉर्डिंग कटिंग करनी है। तो ये जो ब्लू पीस है, ये इस जो लाइट ब्लू है, तो ये इसके अकॉर्डिंग जो इसका साइज़ है ये सेम बनेगा। तो यहाँ पर अभी हमने इसकी भी कटिंग कर लेनी है। और अभी जैसे कि हमने आपको दिखाया है, ये जो हमने डिज़ाइन बनाया है इस तरीके से, ये तो ये आसानी से आप भी बना सकते हो। तो सेम अभी हमने कटिंग की है, और इसी तरीके से वाइट टाइल्स की कटिंग करेंगे, और इसको भी हमने 11 सेंटीमीटर पर मार्किंग करना है और उसकी कटिंग करनी है, और अपने फर्म के अकॉर्डिंग इसको भी इसी तरह कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर अभी हमने जैसे कि वाइट और ब्लू
और ब्लैक, ये पीसेज हमने आपको कटिंग करके दिखाए हैं, ये सेम बनाया है हमने इसी तरीके से, आप जैसे कि हमने यूज़ किया है। और अभी जो ये लाइट ब्लू पीस है, इसको हमने 7.5 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर कटिंग किया है, और इसको जो है सेंटर में हमने यूज़ करना है। जितने भी पीसेज हैं इसको हमने इसी तरीके से काटना है इजीली। यहाँ पर इसको ऐसे कटिंग करना है और यहाँ पर 11 सेंटीमीटर, तो ये भी जो है ये 7.5 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर, यहाँ पर इसको हमने आसानी से कटिंग कर लेना है जैसे कि हमने आपको करके दिखाया। और उसके बाद जो अभी हमने छोटे पीसेस और वाइट पीसेस जो कटिंग किए हैं, इसको हमने यहाँ पर इस तरीके से आसानी से अपने डिज़ाइन को बड़ा कर लेना है, और ब्लैक के सामने ब्लैक। तो गाइस इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहिए, हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।